प्रेरणा यात्रा के माध्यम से क्या संदेश? संदेश यही है कि आज जो एकजुटता दिखाई है पूरे बाड़मेर के अंदर पथ प्रेरणा यात्रा से, केसरिया ध्वज की तरह केसरिया साफे आज बांध करके सब लोग एक अनुशासन में चले हैं। इसी तरह अनुशासन से 35 कौम को साथ लेकर के समाज आगे बढ़ता रहे, और जो क्षत्रियों का पहले काम होता था वो काम फिर से इनको अपनाना पड़ेगा। जो मुख्य बिजनेस, मुख्य काम होता है, क्षत्रिय भूलते जा रहे हैं। जैसे आज बढ़ई है खाती, तो वो लकड़ी का काम भी करता है, आईएएस आईपीएस भी है। इसी तरह ब्राह्मण है तो वो ब्याह शादी मरग वो सब करवाते हैं। 50 ग्राम चावल हमसे ही मंगवा करके ओम नमो करके आपका बिजनेस चलाते हैं। इसके साथ साथ आईएएस आईपीएस नेताओं में भी हैं। इसी तरह लोहार है तो लोहार भी लोहे का काम आज अपना मूल काम था वो नहीं छोड़ रहा है। राजपूत अपना मूल काम छोड़ दिया, कुम्हार भी नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे मटका बनाना था आज बना रहे हैं, आज राजनीति में भी हैं, आईएएस आईपीएस भी हैं। राजपूतों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूजे गए थे पहले तलवार की नोक पर, हमारे पूर्वजों ने इतिहास लिखा था। अब कलम से तो सरकारें लिख रही है ना, और सरकार कलम चला करके ही काम चला रही है। जहाँ सरकार की कमल विफल हो जाए वहाँ मेरा तो ये कहना है क्षत्रियों से, करनी सैनिकों से, कि आप तलवार की नोक पे हमारे पूर्वजों ने इतिहास लिखा था, उसी तरह हमें लिखना पड़ेगा। आज पद्मावती फिल्म को लेकर के देख लो आप, मेरा स्टिंग करवाया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर फिल्म बनाने के लिए आते हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके एडिटिंग करके और पद्मावती से जोड़ करके वो दिखाते हैं। क्यों? कि मैं पूरे देश में विरोध करने वाला एक सिंगल हूँ, सिंगल राजपूत मैं एक हूँ, कि इसको सारे को डाउन कर दो। इसको डाउन कर दोगे तो युवाओं में इसकी छवि खराब हो जाएगी और युवा इससे पीछे हट जाएंगे। आज मैं लड़ रहा हूँ तो मैं अकेला थोड़ी लड़ रहा हूँ, ये युवा सब मेरे साथ हैं, इसलिए लड़ रहा हूँ। और मैं आपके माध्यम से उस बांड बंसाली से कहना चाहता हूँ कि तू सुधर जा, तेरे को एक बार जयपुर में पीट दिया, अब तू दोबारा मार खाने का आदि हो गया, अब मार से काम नहीं चलेगा, आर पार लड़ेंगे हम। इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूँ, आपके माध्यम से उससे कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म में सती माता हमारी माता है पद्मावती जी, उसमें कोई भी अश्लील सीन तू ना दिखाना। अलाउद्दीन खिलजी को हीरो के रूप में मत दिखाना, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत मत करना, हमारे राजपूताने और हिंदुत्व को तू नीचा दिखाने का इस फिल्म में काम करेगा तो तेरे को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे कोई कीमत। बॉलीवुड के द्वारा संदेश आपके जरिए भी जाएगा, और कल मेरी बॉम्बे के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग है, जैसे आज अपनी थी समाज की, इसी तरह कल बॉम्बे में भाईंदर में बहुत बड़ी मीटिंग है, वहां मैं संदेश भी दे दूंगा। और मैंने पहले भी कहा था आज तक से भी आप ये एडिटिंग करके दिखाते हो, मैंने सेम डे कहा था, मैंने कहा आपका रिपोर्टर ने जो मेरे से सवाल किया था इस देश की जनता को वो दिखा दो आप। क्या सवाल किया था? अलाउद्दीन खिलजी पर वो सिक्योरिटी गार्ड्स मांगने के लिए आया था, सुरक्षा मांगने के लिए आया था, 50 हथियारबंद गार्ड और 150 से 200 बाउंसर। तो मैंने कहा मैं ये काम नहीं करता, ये बॉम्बे में उमेश सिंह जी हैं, वो और उनका भतीजा वो सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, मेरा नाम लेकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनसे तुम मिल लेना। यहाँ के एक टीवी चैनल के हेड हैं, उनके जरिए वो मेरे पास आया था, वो राजपूत है, उन्होंने कहा था ये आ रहा है इसकी सुनना, इसकी मदद करना, बस इतनी सी बात थी, इससे फालतू कोई बात नहीं। सुखदेव सिंह को खरीदना तो दूर, सुखदेव सिंह को खरीदने की सोचने वाला भी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। सुखदेव सिंह जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि राजपूत अपने काम के कारण जाना था, वो तलवार की नोक पे काम गिराया जाता था, तो क्या वो वक्त आ चुका है कि तलवार उठाने की जरूरत करनी? आ चुका वक्त आ रहा है, वक्त आ चुका और आ रहा है। आज राजनीतिक पार्टियां राजपूत समाज को इस्तेमाल कर रही है और यूज करके, यूज एंड थ्रो कर रही है, फेंक रही है। अरे जसवंत सिंह जी दाता, जसों की टिकट काट दी जाती है तो पार्टियां कहां रह गई? और क्यों पार्टियों की बात करते हो? हम संगठित है, हमें कोई पार्टी की जरूरत नहीं। संगठित होकर के हम दिखाएंगे, अब की बार अजमेर चुनाव आ रहा है, माडलगढ़ चुनाव है, अलवर चुनाव है, हम दिखा देंगे कि राजपूताना कैसे स्थापित होता है और राजपूतों की पार्टियों द्वारा अनदेखी किया क्या अंजाम होते हैं। आनंद पाल मामले को बता रहे हैं कि सब भूल गए सारे लोग, भूल कौन गया? हम कमेटी चल रही है, कल भी बोल के अभी भी बोला हूं मैं भी, आनंद पाल जी के लिए हम एक कमेटी है, वो केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगी, उनसे काम चल गया तो ठीक है, अगर उनसे काम नहीं चला तो हम प्रधानमंत्री से टाइम लेकर के वास्तुस्थिति अवगत कराएंगे भी राजस्थान में ये हालात है। सरकार ये कह रही है हमने इनकाउंटर सही करवाया, हम कह रहे हैं ये फर्जी हत्या इनकाउंटर नहीं है। चतुर सिंह भी यही कह रहे हैं, तो सरकार ने लेटर लिख दिया ना, तो लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा, इसमें सीबीआई जांच शुरू करे और हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, राजपूत समाज के नेता हो चाहे पार्टीज के नेता, राजपूत समाज के नहीं पार्टियों के नेता, उन पार्टियों का जो नेता है, उन पार्टियों के राजपूत समाज के नेता आज भी यहाँ थे, उन पार्टियों के जो समाज के हमारे भी नेता है, उन पार्टियों के और अन्य समाजों के भी नेता है, उन सब की करकरी मैं क्यों बना रहा हूँ? मैं झुक जाता, उनके चरणों में गच्छामी हो जाता, उनकी बात मान लेता, वहां दाग करवा देते हम बगैर सीबीआई जांच के, तो सुखदेव सिंह सही था। सुखदेव सिंह उनके सामने नहीं झुका, तभी तो आपने देखा उन मंत्रियों का, पार्टी के मंत्री थे वो, सामाजिक नेता नहीं थे जी।
सब ने एक ही बात थी, गोगा मेडी को अंदर डालो। अरे क्यों डालो, ये युवा भाई मेरे साथ हैं, डाल के देखो अंदर, कैसे अंदर डाल दोगे। आज युवाओं की आवाज उठाना जुल्म है, अत्याचार है, हम उठाएंगे। ये तो राजपूत समाज की थी, मैंने तो दंगावास कांड में भी उठाई थी, आपको ध्यान होगा। राजेंद्र जी घुटा के नेतृत्व तो हम 7 दिन तक लाश लेके बैठे रहते, सीबीआई जांच मिली उन मेघवाला को, उसके बाद उसका दाग किया था। तो हम तो जो 35 कौन है उसके लिए पहले भी लड़ते थे, आगे भी लड़ते रहेंगे। सर लास्ट सवाल, अनंतपाल मामला अभी तक जिंदा है, खत्म नहीं हुआ? खत्म आनंदपाल मामला, अगर केंद्र सरकार भी हमें सीबीआई जांच नहीं देगी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तो हम उखाड़ के फेंकेंगे और कोर्ट जाकर के कोर्ट से हम न्याय लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।